स्टूडेंट्स, अभी आप यूएस ट्रेवल करोगे सेप्टेम्बर इनटेक के लिए या फिर बाद में जनवरी इनटेक के लिए, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपको वहां पर लैंड करने के बाद एयरपोर्ट पे कुछ दिक्कत ना हो। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो आप भी सुन लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स यूएस जा रहे हैं उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि आपका जो I-20 में जो कॉस्ट लिखा हो, लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन कॉस्ट, उतना बैंक बैलेंस का स्टेटमेंट आपको साथ में लेके जाना है। वो बैंक बैलेंस बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए और उसमें एंड में इतना बैलेंस दिखना चाहिए जितना आपके I-20 की रिक्वायरमेंट में था। दूसरा, आप अपनी फ्लाइट जो बुक करें उसमें ये देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी की सिटी से सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप अपने कॉलेज के स्टार्ट होने की डेट से 30 दिन से पहले ट्रेवल मत कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कॉलेज 30 सितंबर को शुरू हो रहा है तो आपको 1 सितंबर के बाद की ही फ्लाइट लेनी है, ठीक है। आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहां की जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के एक दो लोगों के नंबर भी आप अपने पास रखिएगा, अगर कोई एयरपोर्ट पे दिक्कत होती है तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू देम। बस इन छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखिए, आराम से ट्रेवल कीजिए और एंजॉय योर स्टडीज इन यूएस।